हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा वेक्टर का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग आज कुछ एग्जांपल क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो जैसे कि यहां पर मैंने लिख रखा है कि अगर आप किसी दो वेक्टर को प्रोडक्ट करते हैं तो आप इस फॉर्मूला को यूज करें, ठीक है। तो जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर वी, तो यहां पर आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे जो डिटरमिनेंट है, और यहां पर आई जे के होगा, और यहां पर ए के जितने भी कॉफिशियंट है वो आप यहां लिखेंगे, उसी तरह बी के जितने कॉफिशियंट है वो आप यहां लिखेंगे, और फिर आप इसे सॉल्व कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे यहां पर एक वैक्टर ए है 2i + j + 3k, उसी तरह वैक्टर बी है 3i + 5j - 2k, और मुझे क्या निकालना है यहां पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा आई जे के, ठीक है। और यहां पर ए का कॉफिशियंट क्या क्या है, 2 1 3 2 1 3, और इसका कॉफिशियंट क्या है 3 5 - 2 3 5 - 2, और ये क्या है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर इस रो और इस कॉलम को छोड़ देते हैं, तो -2 1 × -2 - 2 और -15, ठीक है। उसके बाद -j, ठीक है, क्योंकि ये मिडिल वेरिएबल है तो यहां पर हम माइनस लेते हैं, तो ये रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, ठीक है। तो -2 × 2 - 4 और - 9, ठीक है, प्लस के। अब के में हम इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो 5 2 10 और 10 - 3, तो 10 - 3, तो फाइनल हमारा आ गया -17i। फिर उसके बाद 13, और इसके साथ ये प्लस हो जाएगा -, -, +, 13j, और यहां पर हो गया हमारा 7k। तो ये हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपका ये वेक्टर दिए हुए हैं तो इनको जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे या फिर जब आप वेक्टर प्रोडक्ट करोगे तो आपका रिजल्ट ये आएगा। पर यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट के साथ साथ इसका जो है मैग्नीट्यूड भी पूछा गया, तो मैग्नीट्यूड में तो कुछ है ही नहीं, जस्ट आप क्या करो ए क्रॉस बी, यहां पर रूट अंडर और इनके कॉफिशियंट का स्क्वायर हो जाएगा, तो -17² 13² और 7² तो 289 169 + 49, ठीक है। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 507। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या आ गया हमारा, रूट अंडर 507। तो इस तरीके से आप जो है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। अभी हम लोग एक दो एग्जांपल और देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a + b and a - b, वेर a = this and b = this। मतलब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर है किस पे, a + b पे और a - b पे, और यहां पर a वेक्टर और b वेक्टर आपको गिवेन है। तो सबसे पहले तो आप निकाल लो a + b, तो a + b निकालोगे तो क्या होगा, यहां पर 2i + i, 2j + j, 3j और 3k + k, 4k, और उसके बाद निकाल लो वेक्टर a - वेक्टर b, तो i - i, 0i, ठीक है, 1 - 2, तो यहां पर -j, ओके, 1 - 3, तो -2k। तो ये आपका वेक्टर a + b हो गया और वेक्टर a - b हो गया। और अभी हमने आपको बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a + b और a - b का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है जहां पर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है किस पे, a + b और a - b पे, तो यहां पर a + b × a - b, तो इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था कि बड़ा ही सिंपल है, आप आई जे के लिख दो, इसका कॉफिशियंट क्या है 2 3 4, और इसका कॉफिशियंट है 0 - 1 और - 2। अब इसे आप सॉल्व कर दो, तो यहां पर आई हो गया और -6
प्लस फोर, फिर माइनस जे, यहां पर माइनस टू, माइनस टू क्या हो गया माइनस फोर और ये जीरो ही हो जाएगा, फिर प्लस के, ओके, और यहां पर माइनस टू और इधर जो है आपका जीरो हो जाएगा। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, माइनस टू आई और प्लस फोर जे और यहां पर माइनस टू के। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। किसका रिजल्ट आया, वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस बी। तो इसको हम लोग यहां पर मान लेते हैं सी, ठीक है। अब हमें यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, वेक्टर सी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ सी, ठीक है, वेक्टर सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे, मैं यहीं पर निकाल देता हूं, अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, यहां पर फोर, टू का स्क्वायर फोर, फिर फोर और फिर इसके बाद फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, तो यहां पर फोर प्लस सिक्सटीन और यहां पर प्लस फोर और यहां पर प्लस फोर, तो आपका आ गया चौबीस, ठीक है। तो रूट ट्वेंटी फोर को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टू रूट सिक्स आएगा, ठीक है। तो आप कुछ नहीं है, यहां पर वेक्टर सी आप लिखो, माइनस टू आई, ठीक है, प्लस फोर जे माइनस टू के और डिवाइडेड बाय टू रूट सिक्स। तो ये यहां पर कट जाएगा तो क्या होगा, माइनस वन बाय रूट सिक्स आई, फिर यहां पर फोर बाय टू, तो टू बाय रूट सिक्स जे, ठीक है, यहां पर हो जाएगा माइनस वन बाय रूट सिक्स के। तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया जो आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपको पूछा जाएगा कि यूनिट वेक्टर निकालिए जो परपेंडिकुलर है किसी पर्टिकुलर वेक्टर में, तो आप क्या करेंगे कि जो भी वेक्टर दिया हुआ है उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको आप एक वेक्टर मान लेंगे और फिर जो आपका रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर होगा वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में एक क्वेश्चन अभी हम लोग और करते हैं। तो दोस्तों यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी एंड सी एज इट्स वर्टिसेस, मतलब यहां पर आपको एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है और वो ट्रायंगल कैसे बन रहा है, वो इन पॉइंट से बन रहा है ए बी और सी से, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल आपको काम करना है कि पहले आपको निकालना है ए बी और उसके बाद निकालना है ए सी और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, मतलब यहां पर आपको ए बी निकालना है, ए सी निकालना है, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और फिर टू से आपको डिवाइड कर देना है, तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाएगा। अब ए बी वेक्टर आप कैसे निकालोगे, उसके लिए आप क्या करते हो, ओ बी माइनस ओ ए करते हो, ठीक है। और यहां पर ओ बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां ओ बी वेक्टर क्या है, ये है, ठीक है। यहां पर आई जे के फॉर्म में नहीं लिख के यहां पर इस तरह से लिखा है, इसका मतलब यह है कि आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, उसी तरह इसका मतलब है आई प्लस जे प्लस के, ये ध्यान रखिएगा। तो माइनस कीजिए तो वन माइनस वन जीरो, तो जीरो आई, टू माइनस वन तो यहां पर जे और थ्री माइनस वन टू के, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, उसी तरह यहां पर हो जाएगा ओसी माइनस ओ ए, तो यहां पर क्या हो गया टू माइनस वन वन तो आई, ठीक है, थ्री माइनस वन टू तो टू जे, वन माइनस वन जीरो तो जीरो के आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहां पर ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने आसान तरीका बता ही रखा है, आई जे के लिखिए, जीरो वन टू, फिर यहां पर वन टू जीरो, ठीक है, और इसे आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसे सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है, आई तो यहां पर आई हो गया, जीरो माइनस फोर तो माइनस फोर हो गया, फिर माइनस जे यहां पर जीरो माइनस टू तो माइनस टू हो गया, प्लस के यहां पर क्या हो गया जीरो माइनस वन तो यहां पर माइनस वन हो गया, तो माइनस फोर आई प्लस टू जे और माइनस के, तो ये आपका ये निकल गया, ठीक है। अब आपको निकालना है एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट अंडर, तो ये हो जाएगा 16 4 और 1, तो 1/2 root 21, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे अगर आपको तीन पॉइंट्स दिए होंगे तो आप किस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। अभी दोस्तों हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, पर आगे कुछ हम लोग ऐसे भी क्वेश्चंस करेंगे जो ऑलरेडी एमसीए एंट्रांस में आए हुए हैं, पर वो क्वेश्चन तब आप कर सकते हैं जब आपका ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।